हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू यमा टीवी। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे बार्बर्स के बारे में जिनके बारे में आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही ऐसी कभी कटिंग देखी होगी। सो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगी ऐसे लोगों के बारे में जिनकी कटिंग का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंस है, और ये कटिंग का स्टाइल इतना अनोखा है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं और बहुत ज़्यादा लोग उनसे इस अनोखे स्टाइल के अंदर कटिंग करवाने आते हैं। सो गाइस, इसके अंदर आते हैं हमारे एक हाथ से 15 कैंचीज एक साथ यूज़ करने वाले शख्स, इसके अलावा हैमर और तलवारों से भी कटिंग करने वाले। जी हाँ, सुन के आपको काफ़ी शॉकिंग लगा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सब लोगों के बारे में बताऊंगी। सो बगैर देर किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों ने अक्सर बार्बर शॉप विजिट की होगी और वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक्स, सीजर्स और इस तरह ही कटिंग के यूज़ होने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन क्या गाइस, आपने कभी सुना या देखा है कि चेन सॉ से किसी के बाल काटे जाएं? जी हाँ, ये शख्स जो है वो एक बार्बर शॉप में काम करता है और इसकी बार्बर शॉप इसी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है कि ये चेन सॉ से लोगों के बाल काटते हैं। अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर कोताही हो जाए तो किसी शख्स की जान भी जा सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई लोग यूनिक इसको समझते हैं और अपनी जिंदगियों को इस पे दाव पे लगाते हैं। सो गाइस, नंबर टू पे हमारे पास आते हैं एक वेद नामी शख्स जो कि जापान का रहने वाला है। सो गाइस, वेद जो है उनकी कटिंग का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। आपने लास्ट टाइम तलवारें अर्तुल में या फिर इस तरह किसी मूवी सीन्स में देखी होंगी, लेकिन क्या आपने सुना है कि तलवारों से लोगों के बाल काटे जाएं? जो वेद हैं उन्होंने जापान में 4 साल ट्रेनिंग ली तलवारों से और डिफरेंट जापानीज जो उनके ट्रेडिशनल वेपन्स होते हैं उनसे बाल काटने की। इन्होंने 4 साल ट्रेनिंग लेने के बाद पहले विग्स पे बाल काटा करते थे, इसके बाद इन्होंने अपने रिश्तेदारों पे और फिर दोस्तों पे, और इसके साथ साथ फिर इन्होंने बाकायदा कस्टमर्स के बाल काटना शुरू कर दिए, वो भी तलवारों के साथ। तो गाइस, नंबर टू पे हमारे पास आते हैं ये शख्स। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा कि हीरो अपने हाथ से ब्लेड निकाल लेता है, लेकिन क्या आपने सुना है कि रियलिटी में भी ऐसा होता है? ये जो बार्बर हैं इनके अपने हाथों पे ब्लेड बहुत शार्प ब्लेड लगाते हैं और इन शार्प ब्लेड से लोगों के बाल काटते हैं, उनकी कटिंग करते हैं। इसके साथ साथ वो जो है तलवार का भी इस्तेमाल करते हैं और ये एक साथ दो तलवारें इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं फायरमैन। तो गाइस, ये फायरमैन है, ये लोगों के बालों के ऊपर फ्लेमेबल स्प्रे से फायर लगाते हैं और फिर कटिंग करते हैं। इनका ये कहना है कि इस प्रोसेस से जो है जो वेवी बाल या कर्ली बाल होते हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं, इसके अलावा जो बालों के अंदर दूसरे कीड़े वगैरह भी होते हैं वो भी मर जाते हैं। ये भी आई थिंक बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि किसी के सर पे आग लगाना अगर वो ज़्यादा हो गई या क्या, सो ये एक लाइफ टेकिंग है, लेकिन लोग फिर भी इनसे काफ़ी ज़्यादा कटिंग करवाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं ये टर्की के बार्बर। फिर जब नेक्स्ट हमारे पास जो बार्बर आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये फेमस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये बाल कुल्हाड़े से काटते हैं, यानी एक्स से। तो गाइस, इनके जो बाल काटने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है और देख के काफ़ी अजीब लगता है कि एक्स से कोई बंदा किसी के बाल कैसे काट सकता है। इनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ये अपने एक्स से बाल काटते हैं। देखने में तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है कि कोई शख्स एक्स से किसी के बाल कैसे काट सकता है, लेकिन इनका ये कहना है कि इनके एक्स का एक बार और सीजर्स के 20 बार के इक्वल है, यानी इनके हिसाब से एक्स से कटिंग ज़्यादा इजी होती है बनिस्पत सीजर की। तो गाइस, अब हमारे पास आते हैं पाकिस्तान के ये शख्स जिन्होंने एक साथ हाथ में 15 सीजर उठा के कटिंग करते हैं। गाइस, कितना मुश्किल लगता है कि एक सीजर से कटिंग करना ठीक है, चले दो भी, 15 सीजर्स को एक साथ मैनेज करना इंतहाई मुश्किल काम है और ये मुश्किल काम ये शख्स करते हैं। तो गाइस, इनका ये कहना है कि इन्होंने बचपन में देखा था कि एक शख्स जो था, यानी जापान का एक शख्स, दिन 20 कैंचियों से लोगों के बाल काटते थे एक साथ एक हाथ में, और इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था।
इसके बाद फिर ये इनसे इंस्पायर हुए, उन्होंने 5 साल ट्रेनिंग ली इसकी। इसके बाद फिर इन्होंने इस 5 साल प्रैक्टिस के बाद अब 15 सीजर्स को एक हाथ में उठा के एक साथ कटिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और इनका कटिंग का भी स्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कटिंग करने वाले बार्बर्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको यूमा टीवी की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।